ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। देखें आप हमारे बहुत पुराने पार्टनर हैं, क्या कहा फोन पे कैसे देखूं, मेरा मतलब है मेरी बात समझने की कोशिश करें, कल नहीं परसों तक आपको हर हाल में पेमेंट मिल जाएगी लाजमी। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जी बिल्कुल पक्का वादा मिल जाएगी परसों तक, ठीक है खुदा हाफिज। ये जानी कहाँ रह गया, जानी 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 क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा, घर के काम कर रहा हूँ। अरे ये घर के काम छोड़ो और उस पार्टी को चेक करो जिन्होंने पेमेंट करनी है आज। पप्पू पार्टी का? हाँ हाँ 50 लाख वाली पेमेंट। हाँ करनी तो थी इसको आज। हाँ कहा तो आज का था, उनको फोन करो, आगे जो पेमेंट करनी है ना वो लोग मेरी जान खा रहे हैं। अभी बात करता हूँ मैं। हाँ हेलो जी पप्पू साहब, नहीं परवेश साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है खैरियत से? जी 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 सर वो आज को पेमेंट वेमेंट करनी थी। हाँ अच्छा, नहीं 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 कोई मसला नहीं। अरे क्या बात, आ जा आ जा आ जा, ओके ओके अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे थे? घर आ रहे हैं वो चेक देने। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे तो सुने। बोलो। असली मालिक को चेक देंगे और उनके हाथ में है। ये क्या बात हुई? अब जो भी कहें यही बात है। लेकिन अब क्या करें जानी, हम तो फंस जाएंगे ऐसे। हमने कौन सा चोरी की है, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अरे बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक तो बच्चे को उनसे मिलवाना पड़ेगा और दूसरा बच्चे को सारा हिसाब समझाना पड़ेगा। हाँ अब क्या करें, पेमेंट के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है कोशिश करती हूँ, मैं बच्चों से बात करती हूँ, तैयार करती हूँ उसे। हाँ, शुक्र है आपने ये काम मेरे जिम्मे नहीं डाला। क्या मतलब? नहीं कुछ कुछ नहीं किया, जाए जाए करें करें, मैं जब तक घर की सफाई करूँ। बच्चू हाँ बाबा, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बाबा करो, तुम मैं कौन सा नाराज हूँ तुमसे, करो बाबा। नहीं नहीं एक्चुअली बात यह है कि वो पार्टी आ रही है घर पे। अरे बाबा मैंने तो सुना है पार्टी में जाते हैं, ये पार्टी खुद चल कर आ रही है। अरे पूरी बात तो सुन लो बच्चू। हाँ बाबा बोलो बोलो। वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी आ रही है पैसे देने, पैसे वाली पार्टी। अच्छा 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 बाबा, तो ऐसे बोलो ना, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हें ना असली मालिक बनके उनसे मिलना है और चेक लेना है। अरे बाबा चकना है, कुछ खाने को ला रहे हैं क्या? अरे चेक मतलब चेक बैंक में जमा कराने वाला चेक। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, आने दो आने दो। अरे बच्चू इतना शो मारने की जरूरत नहीं है, और हाँ नॉर्मल रहने की कोशिश करना, जितना हो सके मुंह कम खोलना, कम बात करना। अरे बाबा मुंह नहीं खुलेगा तो बात कैसे होगी? नहीं मेरा मतलब ये कि जितनी कम बात हो उतना सही रहेगा। ये क्या बात हुई भला बाबा, कोई बंदा मिलने आएगा तो उससे बातचीत तो होगी ना। बच्चू वो चेक लेकर आ रहे, रिश्ता लेने नहीं आ रहा। अरे बाबा कौन आ रहा है रिश्ता लेके? लो एक और आ गई। अरे बाबा बताओ तो सही, मैंने अभी खुद सुना है कि कोई आ रहा है। अरे बाबा कोई नहीं आ रहा, तू ज्यादा जज्बाती ना हो। झूठ मत बोलो, अभी मैंने खुद सुना। जरीना मेरे ऑफिस के काम वाला एक बंदा आ रहा है घर पे चेक लेकर। फिर तो मैं जरूर बैठूंगी, हो सकता है कि मेरी सेटिंग हो जाए। अरे बाबा पागल हो गई है क्या, कोई जरूरत नहीं है उसके सामने आने की बाबा। तुम लोगों को भला क्या मसला होता है कि मेरे को किसी के साथ बैठने ही नहीं देते हो, जल जल के तुम लोग मर ही जाओगे देख लेना। अरे बाबा क्या हो गया? खैर बेगम बाबा परेशान ना, मैं हूँ ना। बड़ी नवाजिश होगी आपकी। जी जी ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, हो जाएगा आपका काम। अरे बाबा मेरा मोबाइल ये रखा हुआ है। बच्चू ये क्या पहना हुआ आपने? अरे बाबा आपको दिख नहीं रहा है कि मैंने क्या पहना हुआ है? मेरे कहने का मतलब ये कि कोट पैंट क्यों नहीं पहना, वो पहन लेते तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों बाबा इसमें क्या खराबी है?
खराबी तो कोई नहीं है इसमें, लेकिन कोट पेंट ज्यादा अच्छा लगता। अरे बाबा, ये कौमी लिबास है और कौमी लिबास पहनते हुए ना इंसान को फखर होना चाहिए। वाह वाह बच्चू, आज पहली बार ऐसी बात की है कि मैं हैरान हो गई हूँ। है बाबा, अरे बाबा मेरे पास तो ऐसी ऐसी बातें गाँव के किससे सुनाओ ना तो तुम्हें लग पता जाए। एक दफा का जिक्र। बस 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 बस, मुझे और हैरान या परेशान नहीं होना, बाद में सुनूंगी आपके किस्से। अभी आप तैयार हो जाए कोट पैंट पहनने। नहीं बाबा, मैं पहनूंगा तो यही पहनूंगा, बस कोट पैंट नहीं पहनूंगा। ये लोग क्या समझते हैं कि मुझे मना कर दिया कि सामने नहीं आना, और ये जो सीमा है ना, ये तो मुझसे बहुत ही जलती है। मैं तो जरूर सामने जाऊंगी, देखू तो सही भला है कौन कौन सी लिपस्टिक। अरे बाबा, मिर्गी का दौरा पड़ गया है, पानी लाओ बाबा। नहीं 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 नहीं, ये अब अगला है और कोई बात नहीं है। अरे आप किस तरफ देख के बात कर रहे हैं? मुझे लगता है भेंगा आई। अरे बाबा, एक अकला एक भेंगा, इनसे मिलने के लिए आप तैयार करवा रही थी। अरे खैर है, अब आप चेक देने आए थे ना, तो ये रहे असली मालिक। अच्छा, आपसे बस बस बस, हम समझ गए, हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे ये नहीं है मालिक। हाँ तो मैंने को तो दे रहा था। अरे नहीं नहीं, ये है असली मालिक, ये। ओ अच्छा अच्छा, अब समझ आया। चलते हैं चलते हैं। आओ जरीना, तुमने तो प्लान बनाया था ना? नहीं नहीं, वो मैं अपना मेकअप का सामान भूल गई थी, वो ढूंढने के लिए आई थी, जा रही हूँ मैं। रुको तो सही जरीना, रुको, छोड़ो भला। अरे बाबा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए, मैं आप दोनों को छोड़ के आता हूँ, ऐसा ना हो जाना मगरिब हो और चले जाए मशरिक। आइए। अरे बाबा, देखने तो दो, मेरा है। अरे बाबा, मुझे पैसे कहीं से आए ना ला, तो अपनी पसंद का बछड़ा लूंगा, अच्छा वाला। बच्चू बच्चू, ये ले चेक, और इसको संभाल के रखना, सुबह यहाँ से जमा करा देना, इसी में से हमारी और बाकी सबकी पेमेंट होगी। अरे बाबा, क्या बात हुई है, अभी तो आया, जरा अच्छे तरीके से देखने तो दो। बच्चू ये चेक है, कोई इंसान नहीं, ये जमा होगा तो कुछ हमें मिलेगा, कुछ हम देंगे। ए बाबा, हमको भी मिलेगा, संभाल के रखना चेक। सही बात, ठीक है। हाँ बाबा, तुम फिक्र नहीं करो, संभाल के रखूंगा, संभाल के रखूंगा। हेलो, जी 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 जी, हो जाएगी पेमेंट आपको, आप टेंशन नहीं ले। वाला सही बात, क्या बात है, वाह। अरे बाबा, इससे तो बहुत सारे बछड़े आ जाएंगे। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अच्छा हुआ बाबा पैसे आ गए, अब मैं अपने हिसाब से खर्चा करूंगी। वाह वाह, और ये सब तुमसे किसने कह दिया? किसी ने भला क्या कहा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे अदा के पैसे हैं। हाँ बाबा। क्या? हाँ हाँ, इसमें से दूसरी पार्टी को भी पैसे देने हैं, पूरे 15 लाख रुपए। अरे बाबा, ये तो मैं भूल ही गया था, मतलब इन पैसों से हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। आएगा आएगा, लेकिन बाकी सब की पेमेंट क्लियर करने के बाद। चलो भला कुछ तो आएगा ना। हाँ, लेकिन सबसे पहले घर के पर्दे चेंज करने हैं। घर का कलर भी बहुत गंदा हो गया, ये भी जरा। बाबा मैं भी कुछ खरीदूंगी। आहिस्ता आहिस्ता सब बदल लेंगे, परेशान ना हो। हाँ हाँ, सब हो जाएगा। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। क्यों नहीं बाबा, मैं अपनी बहन को भी दूंगा ना पैसे। अच्छा, और क्या बदलेंगे? अरे बाबा, सोच रहे नौकर भी बदल। वाह, ये क्या बात हुई, वो क्यों? अरे बाबा, पुराना हो गया है ना,
अच्छा इस हिसाब से देखा जाए तो आप तो बहुत ही पुराने हो गए, सबसे पहले तो आपको बदलना चाहिए। अरे जानी बाबा तुम तो जो है ना मजाक भी नहीं समझते, मजाक कर रहा हूँ। वाह हमारी बारी आई तो मजाक। अरे आप कहाँ जा रही हैं बेगम? मैं चेक लेने जा रही हूँ। इतने चेक? ऐसा लग रहा है कि अपन लोगों पे पैसे की बारिश होने वाली है। मैं अपना चेक लेने जा रही हूँ, दो पार्टियां और आएंगी उनको पेमेंट क्लियर करनी है। भाई तारीख गवाह है, जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने सिर्फ पैसे लिए हैं, ये नहीं है। मैं तो जा रही हूँ। अगर बहुत सारे पैसे आ गए तो जानी तुम मेरे को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके चलना। बच्चे भाई आप कुछ खिलाएंगे क्या? मैं तुम्हें खिलाता हूँ, जरा सबर करो, अभी आइसक्रीम खाएगा शक्ल देखी है। यहाँ से भी बात कर सकते हैं आप। आइसक्रीम खाएगा शक्ल देखी है ये चीज। अरे भाई आप लोगों ने हमें घर क्यों बुलवा लिया? अरे आपको तो पता है हम पैसे देने में देर नहीं करते, हम तो समझे थे ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे हमें। अरे कैसे नहीं मिलेंगे बाबा, आपके पैसे बनते हैं, आपको मिलेंगे। अच्छा भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे यकीन कर ले बाबा, जितने पैसे उतने ही मिलेंगे। अरे भाई मैं वो बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? यही के पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो लगता था घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अरे बाबा मैं घी बड़े अच्छे तरीके से निकालना चाहता हूँ, मैं गांव में। बस बस बच्चू वो ये सब किससे सुनने नहीं आए। अच्छा। जी हम पैसे लेने आए और कुछ नहीं। जी जी और क्या लेंगे आप लोग? जी हम तो सिर्फ पैसे लेंगे, वो ही मिल जाए आपकी बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, ये रहा आपका चेक। ये अरे ये तो चेक है। बाबा इसको बैंक में जमा कराए, सुबह कैश हो जाएगा। सही है, कल कैश हो जाएगा ना? जी जी बिल्कुल कल ही कैश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सोच लेना अगर बाउंस हुआ तो FIR कट जाती है। FIR बाबा किस पर? चेक देने वाले पर। अरे कैसी बातें कर रही है, हम कोई फ्रॉड थोड़ी है। आप सुबह चेक जमा करिएगा, कैश हो जाएगा। अच्छा फिर ठीक है हम चलते हैं। जी जी जी। अरे बेगम ये FIR क्या होती है? अरे फिक्र मत करो, वो जब चेक बाउंस होता है ना तो FIR कटती है, वरना थोड़ी। और बस हमारा चेक तो सुबह कैश हो जाएगा, बस आपने याद से वो चेक सुबह जमा करा दे रहा बैंक में। हाँ बाबा मैं करा दूंगा, जानी के साथ जाके बाबा करा दूंगा। ये हो जाएगा ना कल तक, पक्का है ना? जी जी बिल्कुल हो जाएगा। नहीं हुआ तो मालूम है ना फिर क्या होगा? हाँ बाबा मालूम है, FIR कट जाती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मालूम हुआ है। आप फिक्र मत करें, ये कल सुबह ही कैश हो जाएगा। ठीक है अल्लाह हाफिज। जी शुक्रिया। बच्चू बस आपने भूलना नहीं है सुबह याद। हाँ बाबा हाँ मुझे याद है, सुबह याद से जानी के साथ जाऊंगा बैंक में, चेक कैश करवाऊंगा। नहीं डिपॉजिट कराऊंगा। हाँ डिपॉजिट, याद है याद है, शुक्र है। किधर रह गया है जानी बाबा? बच्चू भाई खैर तो है, सुबह ही सुबह बैठे। अरे बाबा तुम भूल गया है क्या, वो चेक जमा कराने जाना है ना बैंक। सुबह सुबह बैंक जाना है, लूटना है क्या बैंक को? क्यों बाबा क्या मतलब है? 3 घंटे पड़े हैं बैंक को खुलने में। अच्छा बाबा 3 घंटे पड़े, एक काम करो बाबा तुम तैयार हो जाओ आराम से बाबा, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे आराम से। चलो ठीक है बाबा, बात सुनो उसके बाद बैंक चलेंगे ना। हाँ ये भी चेक तो करे, चेक को तो चेक करे। हाँ चेक है बाबा मैंने रखा है। चेक करे चेक करे। हाँ बाबा मैंने इधर रखा था, मैं देखता हूँ। नहीं बाबा इसमें तो नहीं है। ढूंढे इसी में होगा, मैं थोड़ी देर तक जब मैं रेस्ट कर लूँगी। अच्छा बाबा लेकिन जल्दी तैयार हो ना। जाने जाने तुम अभी तक सो रहे हो, बैग नहीं जाना क्या? नहीं नहीं बैग नहीं जाना। पागल हो गया क्यों नहीं जाना? बच्चू भाई को चेक ही नहीं मिल रहा। क्या मतलब चेक नहीं मिल रहा? खुद ही पता कर ले। बच्चू बच्चू बच्चू। अरे हाँ बेगम। अरे बाबा क्या हो गया? कहाँ रख दिया चेक? पता नहीं बाबा कहाँ रख दिया, मैंने तो बैग में रखा था, मिल ही नहीं रहा है। पता है ना कि चेक का आज बैंक में जमा होना कितना जरूरी है, ढूंढो। बाबा चलो बाबा ढूंढे, आ जाओ बाबा चेक ढूंढो कहाँ गया। अरे बाबा किधर चला गया है, किधर है बाबा? अरे क्या क्या चीजें निकल रही हैं यार इसमें से। मिल गया जी मिल गया। अरे बाबा चेक मिल गया।
चेक नहीं, चम्मच। एक महीने से ढूंढ रहा था मैं। अरे मिल गया मिल गया। चलो। अरे बाबा किधर है? अरे बाबा मेरा मस्कारा मिल गया, काफी टाइम से गुम हो गया था ना, अभी मिल गया। ओहो चलो बाबा चेक कर ढूंढने। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अगर चेक नहीं मिला तो क्या होगा? हाय मेरी ख्वाहिशें, क्या क्या सोचा था, अब क्या होगा? अरे बाबा चुप कर, एक तो तुझे हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। मिल गया बाबा मिल गया। अरे बाबा किधर से मिला? पार्क में है। चेक पार्क में कैसे गया? अरे चेक नहीं, बच्चा मिल गया, पड़ोस वालों का बच्चा घूम गया था ना, वहां से मिला। अगर चेक नहीं मिला ना तो मैं बता रही हूँ हम सबको कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे बाबा सीमा तुम एक काम करो, वो पप्पू भाइयों को फोन करो और कहो चेक गुम हो गया, दोबारा बना दे। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं भी फोन करती हूँ। हेलो, वो ना हमारा चेक गुम हो गया, आप अगर एक और चेक बना दे तो। हैं क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ मैडम? अरे बाबा कुछ तो बोलो, वो जिसने मैं चेक बना के देना था ना, वो कुछ दिन दुनिया चला गया है। ये क्या है बाबा? मेला लगता होगा। नहीं मार्केट लगती है कोई। अरे बाबा वो शहर है पाकिस्तान से बाहर, अब क्या होगा भला? आखिरी हल। हाँ बाबा बोलो। आओ अरे भाई बेग साहब कहाँ रह गए, लगता है साइकिल पंचर हो गई उनकी। आ गया। अरे भाई साहब खैरियत तो है, आखिर इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया आप लोगों ने? बेग साहब एक पेमेंट का चेक आया था, मैंने बच्चों को दिया था संभालने के लिए, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अरे बेग साहब आप हंस रहे हैं, यहाँ हमारी जान पे बनी है बाबा। अरे भाई ऐसी चीजों में अमूमन घर के नौकर मुलव्वस होते हैं। मुंह अच्छा ना हो ना, बंदे को बात अच्छी करनी चाहिए। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है चेक तुम्हारे ही पास है। नहीं नहीं बेग साहब जानी ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे ना बताएं, आप मुझे मेरा काम करने दें, बस मुझे इसके साथ दो मिनट दें, अभी चेक मिल जाएगा। बाबा मगर भाई रोको, भाई रोको, बाबा थोड़ी दे। जानी बेग साहब जानी जानी। बच्चू जानी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बाबा मेरा जानी ऐसा नहीं कर सकता। अरे बाबा मेरा मेरा मतलब है कि हम सब का जानी। बच्चों कुछ करो वरना इस चक्कर में जानी बेचारा फंस जाएगा। अरे बाबा मैं क्या करूं? अरे मेरा मतलब है कुछ दे दिला के मामला हल करें, जानी को तो बचाना है ना। चलो भला अब जानी को बचाए तो सही। अरे बाबा उसके लिए पैसे चाहिए होंगे ना। एक मिनट बाबा एक मिनट। अरे बाबा मिल गया, बाबा मिल गया, चेक मिल गया। ये कहाँ से मिला? बाबा जेब से। बच्चों तो भाई जानी को बचाए, चलो चलो बाबा चलो आ जाओ आ जाओ। जानी बता जा किधर है? बेग साहब बेग साहब बता जा रे बेग साहब। अरे 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 बेग साहब बेग साहब खबरदार, अगर कानून की कार्रवाई के बीच में आए तुम लोग तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। बेग साहब चेक मिल गया है, अब तो पर्चा मैं कटवाऊंगा बेगू, देख रहा तुम। अरे बाबा बेग साहब किधर गए? अरे 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 बाबा जानी तो गांव में रहते हैं, कहें तो शाम की टिकटें करा दूं। अरे बाबा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो भाई और अंदर कैसे आए? कौन जानी? जानी हूँ मैं जानी। तो मैं पता नहीं है किसी चौकरी के पास आने से पहले क्या करते हैं। इस टाइम गुलदस्ता कहाँ से मैं लेके आऊँ? क्या मतलब है तुम्हारा जानी, इजाजत लेते हैं बाबा। अरे बाबा ये नहीं निकल रही है जानी। कैसे निकलेगी कैसे निकलेगी, निकलेगा तो तू। नहीं नहीं अरे नहीं बाबा नहीं बाबा जानी जानी बाबा। अरे चक्कर आ गए भाई। जानी मैं तो समझी बच्चू है, ये तो डाकू है। सीमा मैडम ये शातिर डाकू है, ये बच्चू भाई का बेस बदल के ना पूरे घर की सफाई करने आया था, देखा आपके जानी ने कैसा इसको पकड़ा। अदा ये आप ही हो ना? आदरीना मैं ही हूँ बाबा।
तो फिर ये मूछें क्यों नहीं निकल रही? अरे बाबा वो इसलिए नहीं निकल रही कि वो मेरे दोस्त ने कोई पक्की वाली गोंद लगा दी है, वो जो फिल्मों में लगाते हैं। मैडम मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ, ये रॉन्ग नंबर है। जानी अब अगर तुमने रॉन्ग नंबर का नाम भी लिया ना तो मैंने तुम्हारा वो फोन ही तोड़ देना है जिस पे रॉन्ग नंबर आ रहा है। अदा जब आग ने सारे जंगल को जला दिया तो तुम्हारी ये पौधे जैसे मूछों की बला क्या औकाते अभी देखो। मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।